प्रवर्तन निर्देशालय ने कथित अवैध सट्टेबाजी और जुआ ऐप से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच में कार्रवाई तेज कर दी है। दरअसल ईडी ने इस मामले में सोमवार को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के एक राजनीतिक सलाहकार और एक ओएसडी से पूछताछ की। अधिकारी सूत्रों ने बताया है कि ईडी ने धन कोष निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीएम भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार विनोद वर्मा और विशेष कर्तव्य अधिकारी मनीष बंछोर का बयान दर्ज किया। मालूम होगी ईडी ने पिछले हफ्ते विनोद वर्मा और मनीष बंछोर दोनों के परिसरों पर छापा मारा था, फिर उन्हें रायपुर स्थित ईडी कार्यालय में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया था। एजेंसी ने महादीप ऑनलाइन बुक नाम के कथित अवैध सट्टेबाजी ऐप से जुड़े इस मामले में सहायक उप निरीक्षक चंद्रभूषण वर्मा, कथित हवाला ऑपरेटर भाइयों अनिल और सुनील दमानी और सतीश चंद्राकर समेत कुल चार लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें आरोप लगाया गया है कि गिरफ्तार पुलिसकर्मी ने विनोद वर्मा के साथ अपने संबंध और दुबई से प्राप्त हवाला फंड का इस्तेमाल छत्तीसगढ़ सीएमओ से जुड़े उच्च पदार्थ अधिकारियों और राजनेताओं को प्रभावित करने के लिए किया। ईडी की कार्रवाई के तुरंत बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि उनके सहयोगियों पर ईडी और आयकर विभाग के छापे राज्य सरकार को बदनाम करने की कोशिश का हिस्सा हैं। संद रहे विनोद वर्मा ने 24 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उनके पास गलत तरीके से कमाया गया एक पैसा भी नहीं है। भूपेश बघेल ने कहा कि ऑनलाइन सट्टे वालों में से किसी के ऑफिस छत्तीसगढ़ में नहीं है, लेकिन परंतु जिन राज्यों में इनके ऑफिस है वहाँ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। छत्तीसगढ़ पुलिस ऑनलाइन सट्टे ऐप में शामिल लोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है। लगातार गिरफ्तारियां और जब्ती हुई हैं। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रायपुर में प्रवर्तन निर्देशालय के कार्यालय के सामने पिछली रमन सिंह सरकार में हुई कथित घोटाले की जांच की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है।